हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी बैक बहुत डार्क हो गई है, और क्योंकि हम लोग जब नहाते हैं ना तो हमारा हाथ नहीं जाता है बैक तक, तो हम लोगों को ना अपनी बैक को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है क्लीनिंग का, वो है स्क्रब। स्क्रब ज़रूर हम लोगों को अपनी फुल बॉडी में हम स्क्रब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं मैं आपको बता दूं। बॉडी पॉलिशिंग के भी प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर आप लोगों को स्क्रब क्रीम और पैक मिलता है, तो वही प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बॉडी के लिए जो स्क्रब यूज़ होता है उसमें थोड़ा मोटा होता है दाना, उससे क्या होता है ना कि आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को स्क्रबिंग करनी है। अगर आप लोग ब्लीच करते हैं, जैसे कि मैं फेशियल के साथ में करा रही हूँ, तो अगर मैंने फेशियल जब लिया था उस टाइम पर मैंने ब्लीच भी ली थी अपने फेस पर, तो मैंने ब्लीच जो है वो बैक में कर ली थी। अगर आप ओनली फॉर बैक को क्लीन करा रहे हैं अपनी, तो आप पहले ब्लीच कर लीजिए बैक पर, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से स्क्रबिंग कर सकते हैं। बैक को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप वैक्स भी कर सकते हैं, आप ब्लीच भी कर सकते हैं, आप D10 का मास्क भी लगा सकते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही डीप क्लीन होती है आपकी जो बैक है ना, वो बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी। तो किस तरीके से होगी कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बैक में स्क्रब का स्टेप किया है। इसको हम 3 से 4 मिनट करेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग एक टूल यूज़ कर रहे हैं। ये टूल जो है ये बैक में और बॉडी में ही यूज़ होता है, ये एक मसाजर है एक तरीके का, और हाथ में पहनकर इसको जो है वो इस तरीके से मसाज की जाती है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज़ हो और हमारी बैक में कहीं भी कोई भी डार्कनेस है तो वो ठीक हो जाए। तो क्योंकि जिस टाइम हम नहाते हैं ना, ज़्यादातर हम लोगों का हाथ बैक में जाता ही नहीं है, और हम लोगों की बॉडी से अलग हमारी बैक हो जाती है, तो काफ़ी लोग हमारे पार्लर पर आकर भी इस ट्रीटमेंट को लेते हैं। और ज़्यादातर जो होता है वो हम लोग फेशियल के साथ में स्क्रब करते ही हैं सबकी बैक पे, बट पूरा इतना डीपली अगर आपको कभी कराना हो तो ये आपको अलग से ही कराना पड़ेगा। जैसे कि अब हम लोगों ने पहले स्क्रब कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं अब हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो क्रीम की भी हम 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे और उसके बाद हम पैक लगाएंगे। तो ये पूरा अगर आपको कराना है तो ये आपको अलग से कराना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब फेशियल होता है तो हम लोग स्क्रबिंग जो है वो फेशियल के साथ में देते हैं बैक में, और काफ़ी अच्छे से मसाज कराते हैं, जिससे कि आपकी जो बैक है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग चाहिए तो फिर आप इस स्टेप को दोबारा भी करा सकते हैं, मतलब बिल्कुल अलग से करा सकते हैं। तो इसमें आपको 3 स्टेप मिलते हैं, पहले स्क्रबिंग मिलेगी, फिर क्रीम मिलेगी, फिर उसके बाद में आपको पैक मिलेगा। तो इससे आपकी जो बैक है ना वो बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गले में कुछ ना कुछ पहनते हैं तो हमारी जो नेक लाइन होती है ना वो भी डार्क हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरी भी डार्क है, क्योंकि मैं भी अपने गले में कुछ ना कुछ पहन कर रखती हूँ, और कभी कभी ये जो नेक लाइन होती है ना ये डार्क कुछ रीज़न की वजह से भी होती है। जैसे कि अगर आपको थायराइड है या आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये आपकी नेक लाइन जो है वो डार्क हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप इनकी केयर करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये डार्कनेस फिर बढ़ती रहती है बहुत ज़्यादा, और फिर ये काफ़ी एरिया को कवर कर लेती है। बट मैं क्योंकि कराती रहती हूँ केयर, तो मेरी ओनली फॉर एक ही लाइन पे डार्कनेस है, अदरवाइज़ मेरी पूरी बैक बहुत अच्छे से क्लीन है। और देखिए इसमें ना करने के थोड़े से स्टेप होते हैं, जैसे कि पिंच वाला स्टेप है, तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये स्टेप यूज़ होता है, और बहुत अच्छे से बैक की जब मसाज होती है ना तो बड़ा ही रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बैक पर मसाज करा सकते हैं, बहुत इजी है कराना और काफ़ी बेनिफिट है इसके। आपकी बैक में जब इतनी अच्छे से मसाज होती है तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, प्लस आपकी बैक जो है वो बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप बिल्कुल इसको करा सकते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि मैम हमारी बैक जो है वो हमारी ओवर बॉडी से डार्क है और काफ़ी दाने निकलने लगते हैं, और हमारी जो बैक है वो कहीं से डार्क कहीं से लाइट होने लगती है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आप लोग ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और इसी ट्रीटमेंट को हम लोग फुल बॉडी में भी देते हैं, जिसको बोलते हैं स्किन पॉलिशिंग। तो स्किन पॉलिशिंग में भी हम लोग ये पूरा स्टेप देते हैं। इसमें आपको क्रीम, स्क्रब और पैक तीनों चीज़ें मिलती हैं, और ये फुल बॉडी पे काम होता है। तो फुल बॉडी करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, बट बैक को करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, और आपकी बैक जो है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो पैक हम लोगों ने लगा लिया, पैक लगाने के बाद हमने 5 से 10 मिनट पैक को छोड़ दिया, और उसके बाद जो है अब हम पैक को क्लीन कर रहे हैं। तो देखिए क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं फ़र्क के कितने अच्छे से फ़र्क पड़ा है, बैक कितने अच्छे से क्लीन हो गई, और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि आपका पार्लर कहाँ पर है। तो मेरा पार्लर है मुरादाबाद UP में,
और अगर आप मुरादाबाद के आसपास के हैं तो आशियाना फेस वन में मेरा पार्लर है, बिल्कुल एक बार विजिट कीजिएगा। और पार्लर का नाम है खुशी मेकओवर। तो एक